तो गाइस ये है टाटा की ऑल न्यू पंच। इस गाड़ी का जैसे आप लोग देखोगे तो पंच 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 काफ़ी दिनों से हो गई थी, तो आज आप लोगों के लिए फाइनली मैं टाटा की पंच ले आया हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी के अंदर कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, क्या गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस है, कैसा लुक है, कैसा इंटीरियर है और गाड़ी चलने में कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आजकल अपने इंडिया में भी देख लो या फिर अदर कंट्रीज़ में भी देख लो, एसयूवी की जो डिमांड है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हर तीन गाड़ियों में से एक गाड़ी जो होती है वो होती है एसयूवी। तो ये देख रहे हो आप, एसयूवी मतलब ऐसा है कि मतलब एक लोग जैसे लोग गाड़ी परचेज करने जाते हैं ना, तो एक उनका माइंड सेट हो जाता है कि भाई मुझे एसयूवी गाड़ी परचेज करूँगा तो मुझे अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो ये जो टाटा की पंच है आप लोगों की जो सारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, तो प्राइस तो अभी इस गाड़ी का रिवील नहीं हुआ है, बट जो प्राइस आएगा वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव इस गाड़ी का रहने वाला है। इस गाड़ी के वेरियंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव, ये चार वेरियंट्स मिलते हैं। एक्सी, एक्सएम, एक्सजेड, एक्सजेड प्लस, ये सारे वेरिएंट्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं। इसके बेस वेरिएंट को छोड़ के उनसे ऊपर जो वेरिएंट बच गए तीन, उनके अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा जो कि 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगा। गाड़ी की सबसे पहले एक्सटीरियर लुक से बात कर लेते हैं कि आपको गाड़ी देखने में कैसी लगती है और बाहर से क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले बैक प्रोफाइल से स्टार्ट की जाए तो जो गाड़ी की टेल लाइट है एलईडी में मिलती है, एरो टाइप की टेल लाइट आती है, एरो टाइप की एलईडी टेल लाइट आती है जो कि देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जैसे आप इसका बम्पर देखोगे तो ड्यूअल टोन में दे रखा है, रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं और ट्राई एरो टाइप का जो डिज़ाइन है आप लोग की टाटा की पंच में भी देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी पंच की बैजिंग मिल जाएगी दो, जो कि देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी जैसे गाड़ी का कैमरा देखोगे ना, जो रिवर्स कैमरा वो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, तो काफ़ी सही सी पोजीशन दे रखी है। यही सेम कैमरे की जैसे फिटमेंट देखोगे अल्ट्रोज में भी यहीं से दे रखी है, और जो टियागो आती है उसके अंदर भी आप लोगों को यहीं मिलती है। टाटा की बैजिंग दे रखी है। ओवरऑल जैसे गाड़ी की लुक्स जो देखी जाए ना भाई, मैं एक एक जैसे जहाँ जाता रहूँगा ना वहाँ वहाँ लुक्स की बात की जाएगी। जैसे गाड़ी की बैक प्रोफाइल देखोगे ना तो भाई देखने में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छी ये गाड़ी लगने वाली है। नीचे की तरफ जैसे ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है रिफ्लेक्टर का, ये थोड़ा सा आप लोगों को मिसिंग लगेगा। कॉस्ट कटिंग भी इस गाड़ी के अंदर की हुई है। दो ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं बट वो आप लोगों को फिक्स मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा उठा हुआ जो पार्किंग सेंसर आते हैं वो नहीं आता है इस गाड़ी के अंदर। एक और अच्छी चीज है जैसे देखोगे ना तो यहाँ पे मतलब ऐसे डिजाइन से दे रखा, फेक टाइप का नहीं दे रखा, मतलब अच्छा सा दे रखा है, काफी मतलब बढ़िया सी चीज दे रखी है। लुक जो है ना गाड़ी की काफी ज्यादा अच्छी बना रखी है। गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आपने बूट स्पेस देखना चाहते हो कि इसका प्रैक्टिकलिटी रिव्यू देखना चाहते हो तो आने वाली वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकलिटी टेस्ट भी करने वाला हूँ। बूट लैंप भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाता है। सेकंड रो की जो सीट है बेंच टाइप सीट मिलती है इसके अंदर। जो पार्सल ट्रे है वो अवेलेबल हो जाती है। और क्या है इसके अंदर, हर एक वेरियंट में आप लोगों को पंचर किट इस गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। पंचर किट वो नॉर्मल नहीं आएगी, पंचर किट ऐसी आएगी जैसे आप टायर के अंदर हवा, जैसे आपका टायर मान लो फ्लैट हो गया है उसके अंदर जब हवा डालोगे तो एक लिक्विड छोड़ता है, तो लिक्विड छोड़ने से जब पंचर होगा वो हील हो जाएगा। गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि भाई पंचर किट दे दे तो स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, तो गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, जिसका साइज़ है 185/70 और 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है। टूल किट वगैरह सभी उसके ऊपर मिलती है और ये अलॉय व्हील नहीं आता है, ये आप लोगों को स्टील रिम ही अवेलेबल होता है। और यहाँ पर हैंडल भी प्रोवाइड किया हुआ है जिनकी भाई थोड़ी सी हाइट छोटी है, थोड़ा सा अच्छा से लगते हैं ऐसे बंद करने, मतलब हाइट छोटी है तो इस वजह से भाई यहाँ पे हैंडल भी प्रोवाइड किया हुआ है। एक और चीज़ है इसके अंदर, जैसे आपकी मान लो गाड़ी लॉक है तो आप सीधा आओ अपने जैसे बूट को, बूट के जैसे मैग्नेटिक स्विच प्रोवाइड है उसको दबाओ तो आप अपनी बूट को ओपन कर पाओगे। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो भाई साइड प्रोफाइल से आप लोग कुछ कुछ जैसे महिंद्रा की कई 300 टाइप की गाड़ी नहीं आती थी, उस टाइप की आपको जो ये गाड़ी लगने वाली है, काफ़ी अच्छी जो ये गाड़ी है लुक प्रोवाइड कर रही है। इस गाड़ी के अंदर जो आपको अप्रोच एंगल मिलता है वो 20.3 डिग्री का मिलता है, जो गाड़ी का डिपार्चर एंगल है वो मिलता है 37.6 डिग्री का, और जो गाड़ी का रैंप ओवर एंगल है वो मिलता है 22.2 डिग्री का। अगर गाड़ी के डायमेंशंस की बात की जाए तो 3827 mm की जो है गाड़ी की लेंथ मिलती है, 1945 mm की गाड़ी की विड्थ मिलती है, 1615 mm की गाड़ी की हाइट मिलती है, और जो गाड़ी का व्हील बेस है वो मिलता है 2445 mm का, और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है 190 mm का, प्लस माइनस 3 वो हो सकता है, यानी कि प्लस मतलब 190 भी रहेगा या फिर 187 भी हो जाएगा, वो आपकी लेडन कंडीशन में जो है 190 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा। अगर इस गाड़ी का जैसे आप देखोगे तो 370 mm तक इस गाड़ी को
आप वाटर में ले जा सकते हो, यानी कि पानी में भाई आराम से ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो टाटा ने ना एक ऐसा कंप्लीट सा पैकेज आप लोगों को निकाल दिया है भाई, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छा रैंप ओवर एंगल है, डिपार्चर एंगल अच्छा है, तो कहीं मतलब जैसे टूटे फूटे रास्ते में आप इसको लेके जाते हो तो भाई कहीं भी आप लोगों को इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। बाकी ड्राइव करते वक्त बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे सस्पेंशन मिलता है, कैसी क्या हैंडलिंग मिलती है। गाड़ी में एक और बात बता देते हैं, लॉक करते हैं अगर बूट को, मुझे पहले बंद करना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो जो इसके ORVM है वो फोल्ड हो जाते हैं, जैसे आप अनलॉक करेंगे तो जो गाड़ी के ORVM है वो ऑटो ओपन हो जाते हैं। अगर जैसे आप गाड़ी को रिमोट से लॉक करेंगे तो भी जो गाड़ी है मतलब ऐसा नहीं है ब्लिंक करती है, सिर्फ साइलेंटली जो है गाड़ी का लॉक एंड अनलॉक का होती है। अभी गाड़ी में जो आप ये टायर्स देख रहे हो 195/60R 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इस गाड़ी के अंदर 16 इंच के टायर मिलते हैं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे रखा है अपने इंडियन सड़क के हिसाब से देखा जाए तो, और चलाने में भी भाई काफ़ी अच्छी ग्रिप जो है ये प्रोवाइड कर देते हैं। साइड में बड़ी बड़ी सी आप लोगों को क्लैडिंग देखने को मिलेगी रफ ब्लैक फिनिश में, तो कहीं नीचे से मान लो टच भी होती है तो भाई इतना अगली सी फीलिंग नहीं आएगी। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये आप लोगों को देखने में लगेगी टाटा हैरियर या फिर आप टाटा सफारी बोल लो, हर एक का कॉम्बिनेशन से बना रखा है इस गाड़ी का, नेक्सोन से नेक्सोन का भी ले रखा है इसके अंदर, हैरियर का भी सफारी का भी। लुक्स जो है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, मतलब फ्लैट टाइप की सी आप लोगों को इसके अंदर जो है रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलेगी, पूरी बंद है सिर्फ यहीं से ओपन की हुई है, बाकी नीचे से तो पूरी ओपन की हुई है। क्रोम फिनिश का भी यूज़ मिल जाएगा जो कि आपकी इस DRL से लेके और इस वाले DRLs तक जाएगा। जो ये DRL है सिंगल फंक्शन के साथ ही आएंगे, सिर्फ ये DRLs का ही वर्क करेंगे LED में, और जो गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे, वो यहाँ पे दे रखे हैं। जो गाड़ी की हेडलाइट है प्रोजेक्टर मिल जाएगी इन लो बीम एंड हाई बीम में मिलेगी, वो हैलोजन बल्ब के साथ। फॉग लाइट भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होगी। ट्राई एरो टाइप का डिज़ाइन भी जो है आप लोगों को आगे की तरफ देखने को मिल जाएगा। मतलब गाड़ी में जैसे देखोगे ना तो यहाँ पे भी बड़ा बड़ा सा क्लैडिंग मतलब रफ ब्लैक फिनिश का सा यूज़ किया हुआ है, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रखी है। और एरोडायनेमिक भी भाई गाड़ी के अंदर पूरा ध्यान रखा हुआ है, ये फेक नहीं दे रखा है भाई, पूरा ओपन है, अंदर हवा पूरी अंदर तक जाएगी। अभी गाड़ी के अंदर बताता हूँ क्या क्या चीज़ मिलने लगती है। और जैसे आप इस गाड़ी की रूफ रेल्स देखोगे तो ये मतलब नॉर्मल डिज़ाइन से हटके ना कुछ अलग सा डिज़ाइन दे रखा है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। माइक्रो टाइप एंटीना ही जो है इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल होगा। और इस गाड़ी के अंदर अच्छा क्या है, आप लोगों को पेडल लैंप्स भी अवेलेबल हो जाते हैं जो कि आपको ड्राइवर साइड एज वेल एज पैसेंजर साइड दोनों में मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो जैसे आप गाड़ी के डोर हैंडल्स देखोगे तो फर्स्ट रो में जो है आप लोगों को मतलब जैसे नॉर्मल डोर हैंडल आते हैं वही मिल जाएंगे, और सेकंड रो में जो है मैजिक डोर हैंडल इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा हर एक जगह पे। जैसे आप इसके प्लास्टिक देखोगे ना तो इसके ऊपर भी थोड़ा टेक्सचर से दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लग रहा है। जो फिट एंड फिनिश है ना भाई, बात माननी पड़ेगी भाई, इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिट एंड फिनिश दे रखी है। टाटा की टियागो आती है उसके अंदर इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश नहीं आती, बट इसके अंदर भाई बहुत ही अच्छी नेक्स्ट लेवल की आप फिट एंड फिनिश बोल सकते हो। बीच में थोड़ा सा वाइट कलर का सा यूज़ देखने को मिलेगा और ट्राई एरो टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। आप लोग को आर्मरेस्ट जो है अवेलेबल नहीं होता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में मिल जाता है टॉप एंड द लाइन वेरिएंट में, बट जो नीचे वेरिएंट्स आएंगे उनके अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। 7 इंच की इसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले आती है, फ्लोटिंग आइलैंड टाइप डिस्प्ले, कोई एम्बिएंट लाइटिंग नहीं मिलती है। रिस्पॉन्स वाइज भाई काफ़ी अच्छा से दे रखा है, और इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स इसके अंदर नहीं आती है, ये मिल जाते हैं सारी चीज़। और इसके अंदर आयरा का फीचर भी मिल जाता है, आयरा कनेक्टेड ऐप का। उससे क्या होगा, जैसे कई सारे फीचर्स हैं उसके अंदर, आप लोग जियो फेंसिंग कर सकते हो, लोकेशन बेस्ड है गाड़ी की हेल्थ चेकअप कर सकते हो, गाड़ी को फ़ोन से ही लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अपने अल्ट्रोज़ के अंदर भी आते हैं, अपनी नेक्सोन के अंदर भी आते हैं। हैलोजन बल्ब के साथ सिर्फ एक बीच में ही रीडिंग लैंप प्रोवाइड होगी, तो ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। IRVM का साइज़ भाई काफ़ी अच्छा दे रखा है, मैनुअल IRVM आते हैं। जो स्टेयरिंग व्हील है गाड़ी का कहाँ पे गया, जो स्टेयरिंग व्हील है गाड़ी का सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसके अंदर आप लोगों को 7 इंच की TFT डिस्प्ले अवेलेबल हो जाती है डिजिटली, जो कि इसकी टैकोमीटर शो करेगा और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है ये शो कर देता है, 10:MPT, फ्यूल इकोनॉमी, कितनी क्या आप एवरेज निकाल रहे हो गाड़ी से, और आपका मतलब जैसे जो FM चल रहा है ना वहाँ पे जो भी आपका चल रहा है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे शो कर देता है, काफ़ी अच्छा से दे रखा है। और जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग में मिलेगा। साइड में आप लोग को इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच अवेलेबल हो जाता है, इसकी फॉग लाइट का मिल जाता है, और इकोनॉमी मोड में आप इस गाड़ी को लगा सकते हो, और ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का स्विच भी मिल जाता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विचेस दे रखे हैं आप लोगों को, और डोर भाई
यार टाटा की भाई कोई सी गाड़ी में बैठ ली, उनके डोर बंद करते हैं ना जो साउंड आती है हाँ धड़ वाले साउंड, वो तो भाई आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिल सकती। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं, प्लास्टिक है बेसिकली ये, हार्ड प्ला मतलब प्लास्टिक है इसके अंदर। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर्स मिलते हैं, और जो स्टेयरिंग व्हील पे जैसे देखोगे तो मतलब स्टेयरिंग व्हील जो है वो फ्लैट बॉटम मिलता है, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आता है, काफ़ी अच्छा है। रेस्पॉन्स की चलते हुए बात करेंगे, अगर स्पेस की बात की जाए डोर पॉकेट्स आप लोग को 1/2 लीटर बोतल कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाते हैं, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, और डोर पॉकेट्स का साइज है गाड़ी के हिसाब से ओके दे रखा है। यहाँ पे भी अच्छा स्पेस दे रखा है, 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं छोटे छोटे अपने की वगैरह प्लेस करने के लिए, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। ग्लव बॉक्स में स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, आराम से आप अपना सामान वगैरह प्लेस कर सकते हो, और ये है ना आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स अवेलेबल होता है, और यहाँ आगे की तरफ भी आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और एक यहाँ पे दे रखा है, और यूएसबी लगाने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपके एम्यू सिस्टम से कनेक्ट होगी। कंफर्ट की बात हम चलते हुए करेंगे कि कैसे क्या कंफर्ट प्रोवाइड होता है, कैसी क्या विजिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर से आती है। और जैसे देखोगे ना पैसेंजर साइड सनवाइजर में सिर्फ मिरर की प्लेसमेंट मिलती है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आप लोगों को टिकट होल्डर जो है अवेलेबल हो जाता है। अब गाड़ी की सेकेंड रो में चलते हैं और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये भाई इस गाड़ी के अंदर जो डोर्स हैं ना भाई 90 डिग्री ओपन होते हैं, तो गाड़ी में इंग्रेस और एग्रेस करना भाई काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अपने जैसे बच्चे तो भाई आसानी से कर जाते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, मुड़ तुड़ के कैसे भी कर लेंगे, बट जो अपने घर में अडल्ट मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये दे रखी है, उनको अंदर आने में बाहर जाने में कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। बिल्कुल फ्लैट फ्लोर दे रखा है, ऑलमोस्ट जो है आप उसको फ्लैट फ्लोर बोल सकते हो, तो बीच में जो कोई बंदा बैठेगा उसको कोई इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। 3 पर्सन जो है इतने कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते, 2 ही पर्सन जो है बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। बाकी जो ड्राइवर साइड सीट थी मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो इसके अंदर आप नी रूम देखोगे अच्छा मिल जाता है, और लेग रूम भी गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 2 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, 1 2-पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। आइसोफिक्स सीट्स जो है आप लोगों को बेस वेरिएंट से ही आने लग जाएगी, पीछे की तरफ कोई एयर का वेंट नहीं मिलता, सिर्फ जगह मिल जाती है अपना फोन प्लेस करने के लिए। और जो इनका रेक्लाइनिंग एंगल है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इनको भाई मतलब एक ही रेक्लाइनिंग एंगल रहेगा, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आर्मरेस्ट जो है मिल जाता है, बट इसके ऊपर कोई आप लोगों कप होल्डर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। नी रूम लेग रूम मैंने आप लोगों को बता दिया। कंफर्ट जैसे देखा जाए तो भाई विजिबिलिटी जो है ना भाई गाड़ी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, तो पीछे बैठने वाला बंदा भी ऐसे परेशान नहीं होगा कि उसको विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा। साइड विंडो से अच्छा व्यू है, आराम से हाथ रख के भाई बैठेगा ना तो मतलब एक सही सी फीलिंग आएगी आप लोगों को। शोल्डर भाई टच होंगे, 3% तो इस गाड़ी के अंदर इतने कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, 2% जो है बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। विजिबिलिटी से कोई भी इशू नहीं आएगा। अंडर थाई स्पोर्ट ऑक्योर जो कुशनिंग है ना भाई वो तो टाटा की नेक्सोन में देख लो, चेस में देख लो, वो तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इसके अंदर प्रोवाइड हो जाती है। फर्स्ट रो में भी आप लोगों को एडजस्टेबली है हेडरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पीछे की तरफ भी आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, और पीछे की तरफ जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे ट्विटर दिया हुआ, बट ये सिर्फ जगह दे रखी है, आप मतलब आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। और यहाँ पे पीछे की तरफ भी आप लोगों को बोतल कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाता है, और थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल हो जाता है अपना सामान वगैरह प्लेस करने के लिए। तो गाइज अब कर लेते हैं इस टाटा पंच के ड्राइव इंप्रेशन की बात। सबसे पहले तो भाई बात आती है आप गाड़ी में बैठते हो तो विजिबिलिटी की, तो भाई जो बोनेट है आपको काफ़ी अच्छा दिख जाता है, उस रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो सीट है मैंने पूरी ऊपर कर लिया, अगर सीट मान लो नीचे भी रहेगी ना तो भी आप लोगों को विजिबिलिटी में कहीं भी कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। साइड विंडो से कोई भी इशू नहीं है, आप लोग कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं लगेगा। एक जो इसके पिलर्स दे रखे हैं ना ये थोड़े से वाइड दे रखे हैं, तो हिल स्टेशन में जैसे आप गाड़ी को लेकर जाओगे जो थोड़ा सा मतलब कहीं भी मतलब मान लो टर्न वगैरह लेना पड़ गया, कहीं भी ऐसी दिक्कत हुई कि भाई आपको यहाँ से देखना पड़ रहा है, तो ये जो पिलर्स है ना एयर पिलर्स ये काफ़ी ज़्यादा वाइड दे रखे हैं, तो इनसे थोड़ा सा आपको इशू क्रिएट हो सकता है। बाकी विंडस्क्रीन से काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है, बोनेट दिखता रहता है तो भाई गाड़ी को चलाने में एक अलग ही मजा आता है। साइड विंडो से ORVM से मैंने आप लोगों को बता दिया। पोजीशन काफ़ी सही दे रखी है इसकी चलाने में, यहाँ पे IRVM से रिलेटेड भी भाई IRVM से व्यू देखा जाए तो IRVM से भी व्यू अच्छा देता है, ऑब्स्टेकल कहीं भी मुझे फील नहीं हो रहा है। अब बात आती है भाई गाड़ी में कम्फर्ट की, तो ड्राइवर सीट का जो अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह सब कुछ ओके है, सीट की विड्थ ओके है, और जो बकेट फिटिंग है वो भी गाड़ी में ठीक दे रखी है, कहीं आप लोगों को कमी नहीं लगेगी। बट जैसे जो ये वाला पार्ट है ना थाई वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा भाई कम लग रहा है, उसमें जैसे ज़्यादा हेल्दी पर्सन बैठ गया ना, मान लो 6-2 का है और थोड़ी सी हेल्थ उसकी ज़्यादा है, तो उसको भाई इशू होगा, थोड़ा सा इशू होगा उसको ज़रूर।
तो ये थोड़ी सी दिक्कत लगी, बाकी स्टेयरिंग व्हील के बीच में और थाई के बीच में गैप देखोगे तो इस रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से व्यू देखा जाए तो वो भी काफ़ी सही आ रहा है, उस रिलेटेड भी कोई भी इशू आप लोगों को नहीं होगा, कहीं ग्लेयर वगैरह कुछ भी फील नहीं होती ना तो इसके म्यूजिक सिस्टम में और ना ही कोई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब बात आती है गाड़ी में अर्गोनॉमिक वाइज बात करते हैं भाई, तो देखो विंडो से जैसे विंडो को रोल जैसे पावर विंडो के स्विचेज हैं सारे यहीं दे रखे हैं, उनसे कोई भी इशू नहीं आएगा, सब कुछ आपको मतलब विजिबल सा भी रहता है और आराम से हाथ मतलब स्विचेज दे रखे हैं तो ठीक है। बट एक कमी है इसके अंदर, आपको फिजिकल नॉब्स नहीं मिलते हैं, तो वॉल्यूम अप डाउन करने ना इसमें साइड वाला बंदा जो बैठा है उसको वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो बड़ा छोटा से दे रखा है तो उसको भाई थोड़ा सा ये इशू क्रिएट होगा, बाकी ड्राइवर तो भाई यहीं से ही कर सकता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, उसके स्विचेज वगैरह जो है सारे यहीं पे दे रखे हैं, जो व्यू है वो मतलब जैसे इसको हवा को मंद तेज करोगे वो सारा ऊपर ही शो करता है, तो अर्गोनॉमिक वाइज भी ठीक है, हर एक चीज प्रॉपरली मैनेज है, शॉर्टेड सी चीज दे रखे, कहीं ऐसा कुछ नहीं लगेगा बहुत ज्यादा भरा भरा से इंटीरियर दे दिया, बहुत ज्यादा स्विचेज से दे रखे हैं तो वो गाड़ी के अंदर आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ठीक है भाई अर्गोनॉमिक वाइज होगी, NVH की बात हम बाद में बात करेंगे, अब बात करते हैं इसके इंजन की। एक इंजन आएगा इसके अंदर 1.2 लीटर का पेट्रोल रेवेट्रॉन इंजन, 3 सिलेंडर के साथ आएगा, 1199 सीसी जो है इसके एग्जैक्ट क्यूबिक वैल्यू है, जो कि 86 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा और 113 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क वो प्रोड्यूस करेगा। देखो टाटा की गाड़ी आप लेते हो तो भाई इंजन नॉइज तो आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिलेगी, इसकी टियागो में भी देख लो उसके अंदर इंजन नॉइज तो आप लोगों को मिलती है, तो भाई एक जो इंजन नॉइज की चलो NVH की ही बात कर लेते हैं, इंजन की तो हो गई, NVH की बात की जाए तो जो वाइब्रेशन है नहीं आती है इसके अंदर, जो नॉइस है वो आती है भाई गाड़ी के अंदर, वाइब्रेशन वगैरह तो भाई गाड़ी के अंदर कहीं भी आप लोगों को इतनी फील नहीं होगी, ना तो इसके स्टीयरिंग व्हील पे ना तो इसके गियर नॉब पे, हल्की फुल्की सी वाइब्रेशन आती है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा सी नहीं आती मतलब जो आप बियर नहीं कर पाओ, और जैसे वाइब्रेशन जैसे इसके डोर पैड्स पे देखा जाए या फिर स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ी सी वाइब्रेशन है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है मतलब नॉर्मल भाई इतनी तो गाड़ी के अंदर रहती है, इतनी वाइब्रेशन आती है जैसे टायर की नॉइस हुई या फिर रोड नॉइस हुई वो गाड़ी के अंदर इतनी नहीं आती है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और जैसे मैंने गाड़ी का जैसे इंडिकेटर देता हूँ तो उसमें भी नहीं बोलते टक 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 वो करता है टी 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 ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक से दे रखा है वो भाई, बहुत अच्छा फीचर लगा। और जैसे जैसे गाड़ी चल रही है ना तो थोड़े से मतलब आपकी जो डोर है वो ओपन रह गए, देखो थोड़ा सा ओपन करके दिखा मैं साइड में रुक जाएगा रुक थोड़ा सेफ सा प्लेस कर लेते हैं, अब देख थोड़ा सा ओपन करके दिखा, खोल ना डोर खोल अब बंद बंद कर ठीक है, ये बोलता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रखी है। अगर जैसे मान लो पीछे का भी ओपन है ना तो बोलेगा आपका वो डोर ओपन है प्लीज़ चेक, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर मुझे लगा इस गाड़ी के अंदर। अब बात कर लेते हैं गाड़ी में भाई जो जैसे एक तो मिलता है आप लोगों को इसके अंदर सिटी मोड और एक आता है इसके अंदर इको मोड, और जो ट्रैक्शन मोड आएगा वो इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। अगर ट्रांसमिशन की ही बात हो गई तो इसके अंदर आप लोग को ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों मिल जाएंगे, बेस यूनिट छोड़ के मैंने आप लोग बताया था 5-speed ही गियरबॉक्स आएगा इसके अंदर। अभी पावर की बात की जाए ना गाड़ी के अंदर, इसकी जैसे रेड लाइन आती है 6000 RPM पे, 6000 RPM के बाद ऐसा होता है एकदम इंजन डल सा हो जाता है एकदम यूँ ठक यूँ सा कुछ होता है, फिर उसके बाद वो भाई पावर सी नहीं देता है, पावर डिलीवरी नहीं होती 6000 RPM। थोड़ा सा खुला रोड आता है फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा कि कैसा क्या पिकअप जो है ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। अगर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए ना मतलब रेस्पॉन्स कैसा है उसका, तो भाई काफ़ी लाइट सा स्टीयरिंग व्हील मिलता है इस गाड़ी के अंदर, और जो रेस्पॉन्स है ना वो भी बढ़िया से दे रखा है, उसमें कहीं भी आप लोगों को ऐसे नहीं लगेगा कि भाई कहीं कहीं कमी सी है, बहुत लाइट लाइट सा स्टीयरिंग व्हील लगेगा। सस्पेंशन की बात की जाए गाड़ी में तो भाई गड्ढे वगैरह तो गाड़ी के अंदर इतने फील नहीं होते, बहुत अच्छा सा सस्पेंशन दे रखा है, सॉफ्ट सा सस्पेंशन है, मतलब इतना सॉफ्ट भी नहीं कि भाई गाड़ी मान लो झूलती चल रही है, कहीं दचकिया वगैरह जैसे जो भी छोटे मोटे गड्ढे आएंगे या फिर थोड़ा सा बड़ा भी आ गया तो मतलब गड्ढे वगैरह इतने फील नहीं होते हैं। और जैसे गाड़ी के अंदर से आवाज़ आती है ना कहीं, अभी तो नहीं है खैर पुराने होने के बाद तो जाहिर सी बात आएगी भाई गाड़ी के अंदर से आवाज़, अभी तो गाड़ी के अंदर से कहीं से भी आवाज़ें नहीं आ रही है। सस्पेंशन काफ़ी सही है भाई, गड्ढे वगैरह इतने फील नहीं होते हैं, स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट से दे रखा है। जैसे गियर की बात की जाए तो काफ़ी लंबा लंबा से दे रखा है, बहुत ज़्यादा लंबा से जाके एकदम वो होता है गियर थोड़े से लंबे मुझे लगे, और शिफ्टिंग में हल्का सा तो मतलब इतने बटरी स्मूथ जो है आप उसको नहीं बोल सकते, नहीं बटरी स्मूथ इतना बटरी स्मूथ जो है इसका गियरबॉक्स आप नहीं बोल सकते, ओके मिलता है उस रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं होगा भाई, बहुत सही सा है भाई चलाने में, काफ़ी एक एंजॉयबल सी जो ड्राइव है आप इसको बोल सकते हो। गाड़ी में आप लोगों को मैं अगर पिकअप और चेक करा देता हूँ, व्हील स्पिन और भी पता चल जाएगा व्हील स्पिन है या फिर नहीं है, तो देखो भाई ये
देखो 6000 RPM पे जाके एकदम छोड़ सा देती है और व्हील स्पिन इतना नहीं मिलता है, बट पिकअप भी भाई आप उतना नहीं बोल सकते, इतना मतलब बहुत ही जोरदार से एकदम पंची सा पिकअप मिलता है, आप पीछे जैसे एकदम फेंक दे आप लोगों को ऐसा पिकअप नहीं मिलता है, बट ऐसा भी नहीं है भाई आप लोगों को कम लगेगा। तो अगर आप जैसे देखना चाहते हैं ना अपने जैसे आप गाड़ी परचेज करने का इरादा बनता है तो भाई आप इस गाड़ी की तरफ भी ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि एक जो इसका पैकेज है ना भाई बहुत कंप्लीट सा पैकेज मिल जाता है, हर एक चीज़ गाड़ी के अंदर अच्छी मिल जाती है, स्पेशियस इंटीरियर दिया हुआ है, कम्फर्ट गाड़ी के अंदर अच्छा दिया हुआ है और जो फीचर्स हैं वो भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आपको कुछ क्वेरीज है इस गाड़ी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर नीचे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वहाँ पे भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मतलब इस गाड़ी से नहीं हर गाड़ी से रिलेटेड जो है मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ। वीडियो कहीं पेंड कर दें, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।